Welcome back, friends. My name is Ashish Chaudhary. Today we are going to do about conversion of debentures before maturity. So let's begin. Do you think this is your time? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग यानी इशू की एंट्री से लेके एंड की एंट्रीज तक करने वाले हैं ताकि हमें ये क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड तरीके से समझ में आ जाए। चलो देखते हैं यार क्वेश्चन क्या कह रहा है। उन्होंने बोला कि यार आपके पास एज अ कंपनी 5000 डिबेंचर्स है और इन डिबेंचर्स की पार वैल्यू है 100 रुपए, मतलब 500000 रुपए वर्थ के डिबेंचर्स है। ये पार वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। आपने जो इसको इशू किया, ये इशू आपका हुआ है 1 अप्रैल 2015 को। इस तारीख को आपने डिबेंचर्स को 96% पे इशू किया है, तो 100 रुपए का 96% 96 रुपीज होता है, मतलब जो मार्केट से पैसा उठाया है वो है 480,000 रुपए। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमने अपने डिबेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन दिया है कि 31 मार्च 2017 के बाद, मतलब 3 साल पूरे होने के बाद, आप कभी भी अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन अच्छा लग रहा है, करवा लेते हैं कन्वर्ट। तो एक भाई साहब जो थे उन्होंने, मतलब 20% जिनके पास होल्डिंग होगी या जितनी भी थी, 20% जिनके पास भी होल्डिंग रही होगी, जितने भी डिबेंचर होल्डर्स के पास, उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। हम हमेशा पार वैल्यू का निकालते हैं, जो भी निकालते हैं, तो 20% भी 500,000 रुपए का निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1,00,000 रुपए। मतलब 1,00,000 रुपए के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्होंने क्या किया, इस वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया और अपने डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लिए 1 अप्रैल 2017 को। अभी तो इतनी बात जानने के लिए जरूरी है, हम चालू करते हैं क्वेश्चन करना, एंट्री बाय एंट्री सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। 5000 डिबेंचर है, 96 रुपीज पे इशू किए हैं, मतलब पैसा कितना आया है, 480,000 रुपए हमारे हाथ में पैसा आया है। और हमने बोला है कि हम इनको जब भी रिडीम करेंगे पार पे रिडीम करेंगे, क्वेश्चन में ये क्लियरली गिवन है, और वो रिडेम्पशन डेट आएगी 5 साल बाद, बिकॉज बोला है रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। क्वेश्चन ध्यान से देखना, वर्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। 480,000 रुपए मार्केट से उठाए। अब आपने अगर 480,000 रुपए मार्केट से उठाए हैं तो आपने 4 रुपए कम उठाए हैं, क्योंकि मार्केट में डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए थी, आपने तो सिर्फ 96 मंगवाया है, हो गया ना 4 रुपए का डिस्काउंट। तो 4 रुपए इंटू 5000 डिबेंचर, आपने मार्केट को दिया 20,000 रुपए का डिस्काउंट, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को 20,000 का डिस्काउंट दिया, तो 8% डिबेंचर्स में पार वैल्यू आ जाएगी जो कि है 5,00,000 रुपए। अलविदा कहते हैं ओपनिंग एंट्रीज को। मैंने डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि मैंने मार्केट से कम पैसा मंगवाया, और कम पैसा मंगवाया तो आपको भी पता है भाई, समझदार इंसान हो के लॉस हुआ होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एंड मैंने 20,000 का लॉस डेबिट कर दिया, मैंने यहां पे दिखा दिया। अब कहानी कहां ट्विस्ट लेती है, ये तो हो गई हमारी इशू की एंट्री। अब आते हैं उस तारीख को, जिस तारीख पे कुछ महाशय ऐसे थे जिन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो देख लेते हैं यार कि एंट्रीज क्या होंगी उनकी भी। मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में 5,00,000 का 20% निकाल के दिखाया था, वो था 1,00,000 रुपए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 1,00,000 रुपए एक्चुअल वो वैल्यू है जितने के रिडीम हुए, मैं ये कह रहा हूं कि ये पार वैल्यू है जिस अमाउंट के डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं। अब मैं उसमें बाकी सारी चीजें जो है, ट्विस्ट टर्न्स जो है, वो सारे दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं 8% डिबेंचर्स, मतलब ये एंट्री जब भी लिखता हूं मैं तो थक चुका हूं बताते बताते कि ये इसके अकाउंट में, मतलब ये जो एंट्री लिखता हूं इसमें हमेशा डिबेंचर्स की पार वैल्यू आती है। तो 5,00,000 पार वैल्यू थी डिबेंचर्स की टोटल, 20% ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, या डिबेंचर होल्डर अगर कैश वाला होता है तो, और डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आप उन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराने, दो एंट्री होती है। एक एंट्री में जब करना चालू करूंगा तो मुझे पार वैल्यू दिखा रहा है, मैंडेटरी है, इसके सामने मैंने दिखा दी। अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन रिडीमेबल प्रीमियम पे था, नहीं था, नहीं था तो मुझे प्रीमियम को डेबिट रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ओपनिंग एंट्री में भी उसको नहीं दिखाया था, मतलब इशू की एंट्री में भी कहीं प्रीमियम नहीं दिखाया था, क्योंकि प्रीमियम तो था ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, पार पे था तो उन्होंने आधा काम तो हमारा वैसे ही सिंपल कर दिया। अब आते हैं टू साइड वाली एंट्री में, मैं यहां पे कुछ स्पेस छोड़ रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे अमाउंट क्या आना चाहिए डिबेंचर होल्डर्स के सामने। देखो भाई, मैं मानता हूं कि 1,00,000 रुपए वो पार वैल्यू है जो डिबेंचर होल्डर्स की एक्चुअल में है, लेकिन 1,00,000 रुपए के जो डिबेंचर होल्डर्स है ना, अगर मैं पार वैल्यू 100 रुपए के हिसाब से देखता हूं
तो ये डिबेंचर होल्डर्स हैं, टोटल 1000 डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर्स हैं। लेकिन क्या मार्केट में मैंने इनसे पूरे 100 रुपए मंगवाए थे? नहीं 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 भाई, जरा जल्दी से चेक करो, आपके वर्कशीट में क्लियरली गिवन है कि मैंने तो इनसे कितने मंगवाए थे, 96। अब ये तो क्योंकि बीच में कर रहा हूं, 2 साल बात कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हूं। मतलब मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि मैंने पूरा पैसा दूं या पार वैल्यू दूं या जो भी दूं। मैंने जितना मंगवाया था मैं उतना ही ईमानदारी से उन्हें वापस करूंगा। मैं बोलूंगा भैया जी मैंने आपसे 1000 डिबेंचर पे जो पैसा लिया था वो लाख रुपए नहीं था, वो कितना था, 96,000। तो मैं आपको वापस भी करूंगा कितना, 96,000। मुझसे ज्यादा की उम्मीद मत रखो, क्योंकि अगर ऐसा रखते हो तो 5 साल वेट करो। 2 साल बाद बीच में मैं आपको पूरा पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो कन्वर्जन करके दे रहा हूं, और कन्वर्जन की कंडीशन यही है कि मैंने आपसे 96,000 रुपीज लिए थे, 1 लाख के हो गया, मैंने तो आपसे कितना लिया था, 96,000, तो मैं उसी को कन्वर्ट करके दूंगा। ठीक है भाई, मान गए वो डिबेंचर होल्डर्स, हम उनको कन्वर्ट करके दे रहे हैं काहे में, इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब धर्म संकट जर्नल एंट्रीज का, क्योंकि हमारा तो समझने का लॉजिक ही दूसरा है, हम टेक्निकली थोड़ा ना समझते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। और सबसे बड़ा डर, भैया जाहे मिलाएं कैसे, यहां 1 लाख है, यहां 96,000 है, जे तो मिल ही नहीं रहा है। सो द बेसिक एसेंस ऑफ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू फाइंड आउट कि यार सिचुएशन क्या है, हाउ वी कैन मैनेज टू एक्चुअली फिगर आउट कि वो 4000 रुपए का है क्या। इसमें काम आता है हमारे 5 साल। चलो डिस्कस करते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। अब जो टोटल डिबेंचर होल्डर्स को मैंने डिस्काउंट दिया था, इन वाले डिबेंचर होल्डर्स को, है ना सरकार, 1000 डिबेंचर्स को 4 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो वो 4000 रुपए का क्या था, डिस्काउंट। अब ये टोटल कितने साल में राइट ऑफ होना चाहिए था, 5 साल में, क्योंकि भाई टोटल डिबेंचर्स की लाइफ कितनी है, 5 साल की है। तो 4000 को अगर मैं 5 साल में डिवाइड करता हूं तो 800 रुपए पर ईयर आता है। ठीक है, समझ में आ गया, 800 रुपए पर ईयर है। अब मैं क्या करूं, ये देखूंगा अब मैं कि मैंने 800 रुपए के हिसाब से 2 साल तो निकाल दिए हैं, यानी 2 साल कितना होता है, 1600 रुपए। 1600 रुपए का मैं डिस्काउंट राइट ऑफ कर चुका हूंगा। कैसे राइट ऑफ कर चुका हूंगा भाई, हर साल 800 रुपए राइट ऑफ करना है, 2 साल निकल चुके हैं, 15 से लेके 17 आ चुका है, 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 2 साल बीत चुके हैं, तो क्या करें भाई, 2 साल जो है उनका 1600 रुपए मैं कर चुका हूंगा राइट ऑफ। फिर वही पूरी कहानी सुनाने वाला हूं, सुनना ध्यान से। 2 साल में मैं 1600 राइट ऑफ कर चुका हूं। किसके अगेंस्ट में राइट ऑफ किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट में राइट ऑफ किया होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट में राइट ऑफ किया होगा तो उसने प्रॉफिट को बढ़ाया तो होगा नहीं, लॉस है, उसने प्रॉफिट को कम किया होगा तो मैंने हर बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि डेबिट साइड रिफ्लेक्ट हुआ होगा। डेबिट साइड पर मैंने क्या लिखा होगा, जो मेरा लॉस राइट ऑफ हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस, यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, आप जो भी बुलाना चाहो उसे। अगर मैं राइट ऑफ कर चुका हूं तो मुझे उसे अगेन राइट बैक करना है, मतलब लिखना है, तो मैंने P&L अकाउंट को डेबिट किया होगा तब जाके ये लॉस राइट ऑफ हुआ होगा। तो P&L अकाउंट को क्रेडिट ले आते हैं, तो हम लिखेंगे और मैं कितना दिखा दूंगा, 1600 रुपए। अभी भी कहानी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अभी भी कितने साल बचे थे, 3 साल। 800 रुपए के हिसाब से कितना बनता है भाई बजट, 2400 रुपए। ये तो आपने डिस्काउंट को राइट ऑफ किया ही नहीं है, क्योंकि आपके तो सिर्फ 2 साल ही बीते हैं भाई। तो क्या हुआ, जो रिटर्न ऑफ नहीं हो पाया वो कहलाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और वो यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड, लॉस है ना, तो लॉस किस साइड दिखाया जाता है, डेबिट साइड पे। अब मुझे उसको राइट बैक करना है, क्योंकि डेबिट साइड पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैंसिल आउट करने के लिए किस साइड लेके आऊंगा, क्रेडिट साइड। मतलब क्या है, जो मैंने लॉस राइट ऑफ कर भी दिया था 1600 का 2 साल में, और जो नहीं भी किया था 3 साल में, वो मेरी जो लॉसेस थे, वो जो मेरे खर्चे थे, यानी जो मेरे ऊपर बर्डन थे, वो सब हट गए। जो मैंने डेबिट किए थे उनको क्रेडिट करके नलीफाई करके मैंने ये दिखा दिया, मेरे ऊपर तो कोई लॉस ही नहीं है, क्योंकि वो रियल टाइम लॉस होता जब 5 साल कंप्लीट हो जाते, 5 साल तो कंप्लीट हुए ही नहीं, तो भाई मेरे लिए तो कोई लॉस ही नहीं है। तो जो मैंने डेबिट किए थे उनको क्रेडिट करके कैंसिल आउट कर दिया, किस्सा खत्म। यहां पे मेरे पास एक सेकंड एंट्री तैयार हो गई, जहां पे मेरे आइटम्स टैली हो रहे हैं। अब जरा देख लेते हैं कि मैंने जब इशू किए इक्विटी शेयर्स तो किस हिसाब से किए। तो पहली कंडीशन में तो मैंने जो शेयर्स इशू किए हैं वो पार पे किए हैं, और पार वैल्यू है 10 रुपए। भाई 96,000 का पेमेंट किया है मैंने डिबेंचर होल्डर्स को, मतलब उसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए के हिसाब से, मतलब मैंने 9600 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। नरेशन में डाल दोगे बीइंग 9600 इक्विटी शेयर्स इशूड टू द डिबेंचर होल्डर्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन, ये यहां पे खत्म हो गया। दूसरी कंडीशन कर लेते हैं कि 10 रुपए का इक्विटी शेयर था
और उसको आपने 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया। 96,000 का पेमेंट था, 10 रुपए की पार वैल्यू और 10 रुपए का प्रीमियम, यानी 96,000 डिवाइडेड बाय 20 रुपए भाई, तो कितने आ गए आपके 4,800 शेयर्स आ गए। मतलब आपने मार्केट में डिबेंचर होल्डर्स को 4,800 शेयर्स इशू किए पेमेंट के लिए। तो डिबेंचर होल्डर्स के पास तो भाई 96,000 पेमेंट जाना ही जाना था, उनके साथ कोई टेंशन नहीं थी। हाँ, उन्हें इक्विटी शेयर दिखाने थे, तो 4,800 पार वैल्यू क्या रखते हैं 10 रुपए, तो यहां पे भर जाएगा भाई 48,000 रुपीज। मतलब शेयर कैपिटल में तो पार वैल्यू से जाता है, पार वैल्यू है 10 रुपए, 4,800 शेयर्स है, मैंने निकाल दिया है 48,000 डाल दिया। अब क्या करूं, प्रीमियम भी दिखाना पड़ेगा, 4,800 इनटू 10 रुपए का प्रीमियम दिया तो हुआ है, आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा 48,000। अच्छा, 10 रुपए के प्रीमियम पे कर सकते हैं क्या? अरे भाई वो दूसरा टॉपिक है, तुम बाद में अपने ज्ञान देखना, पहले यहाँ पे देख लो कि यार 48,000 हमने डिबेंचर होल्डर्स का 96,000 का पेमेंट कर दिया बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेन एडजस्टमेंट कहाँ पे था, जो पहली एंट्री की थी, कौन सी, इनसे पहले वाली जो एंट्री की थी जिसमें मैंने डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर के अंदर डिस्काउंट को और साथ साथ में जो पीएनएल से रिटर्न ऑफ हुआ था उसको लिखवाया है, वही बिफोर मैच्योरिटी का एसेंस है। तो यहां पे आज हमने 2 questions किए, आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से नमस्ते। If you dislike our videos, hit the dislike button. But if you like our videos, hit the like button. Subscribe to our channel to get all the latest updates and what is trending in commercebaba.in. If you have any suggestions, feedback, queries, do comment down below to let us know. And yes, at the end, notification wala ghanta bajana mat bhulna. Dhanyawad. So, come and get it.